हाय गाइज़ वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप से बच्चें सो गाइज आज बात करने वाले हैं प्रोबायोटिक्स के बारे में सो गाइज़ मैं हेल्थ और फिटनेस को लेके काफ़ी ज़्यादा यू नो कंसर्न रहती हूँ अपने एंड आई थॉट मैं आपसे शेयर करूँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी हेल्पफुल है सो मैंने आज लेना शुरू किया है आई थिंक दो महीने हो गए मुझे दिस इज़ प्राउड मल्टी वाइटामिन प्रोबायोटिक्स सो बेसिकली कम्प्लीट न्यूट्रिशन है ये एक वन बॉटल में एंड बेसिकली डाइट सप्लीमेंट है सिक्सटी टेबलेट्स आते हैं इसमें गाइज एंड मेरी ऑलमोस्ट ये फिर फिनिश होने वाली है एंड गाइज आई रियली लाइक इट इट्स वेरी हेल्पफुल यू नो अगर आपको थका हुआ जल्दी फील होता है आपको यू नो भूख ज़्यादा लगती है या कम लगती है या यू नो यू फील टायर्ड ऑ ऑल द टाइम आप यू नो ब्लोटिंग हो जा रही है इनडाइजेशन हो रहा है यू नो हेड एक रहता है स्किन ख़राब हो रही है बाल झड़ रहे हैं सो बेसिकली प्रोबायोटिक्स आपके पूरे गट हेल्थ का ध्यान रखती है एंड हमारा सेकेंड ब्रेन गट हेल्थ ही हो गट पर ही होता है कहते हैं सो so अगर आपका पेट अच्छा है तो आपका माइंड भी अच्छा रहेगा यू you नो know, आप चीज़ें भूलोगे नहीं आप बेसिकली इंटेलिजेंस भी बढ़ती है उससे सो so ओवरऑल आपकी जो बॉडी का फंक्शन है वो स्टेबिलाइज रहता है प्रोबायोटिक्स हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं कि यू you नो know, दही में होता है एंड बच्चों के अलग तो से प्रोबायोटिक्स भी आते हैं पहले प्रोबायोटिक्स के ड्रिंक भी आते थे सो बहुत सारे ऑप्शन हैं मार्केट में लेकिन सम हाउ नथिंग वॉज रेली वर्किंग ऑन मी मैं एलोपैथिक भी ट्राई कर चुकी थी तो गट गट इशूज़ मुझे रहते हैं एंड आई वॉज ट्राइंग प्रोबायोटिक्स फॉर माई चाइल्ड सो आई थाट उनको अगर बच्चों को असर हो रहा है तो हमें भी होगा सो आई सर्च एंड आई फाउंड दिस पर्टिकुलर ब्रांड एंड ये आपको माई उपचार डॉट कॉम में मिल जाएगा सो मुझे ये अच्छा लगा बहुत एंड मैं उसको रोज़ लेती हूँ खाने के बाद सिर्फ एक टैब लेना है सो दिस इज़ हेल्प मी इन माई डाइजेशन इशूज एंड मुझे बीच में ना खाए सर्दियों में बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी भूख लग रही थी जबकि मैं अच्छा खा रही थी एंड आई वॉज गेनिंग ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट एंड वो यू नो लाइफ स्टाइल इशू वाला गेन होता है ना कि आप विंटर्स में ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हो बट आप खाए जा रहे हो बैठ के एंड भूख लग रही है सो आई रियलाइज बिकॉज आई वॉज यू नो नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई गट हेल्थ फिजिकल एक्टिविटी भी कम थी तो uh, ये प्रॉब्लम आ रही थी आई स्टार्ट टेकिंग दिस वन आई रियलाइज मेरा वेट अब स्टेबलाइज हो रहा है एंड uh, जो फालतू ग्रेविंग होती है वो भी नहीं हो रही है यू नो एम ईटिंग वेल एंड आई फील फ्रेश एंड टायर्डनेस भी नहीं है सो इट्स रियली हेल्पिंग मी प्लस इसमें मल्टी विटामिन भी हैं सो so, मुझे और मल्टीविटामस लेने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली सारा इसमें मेरा कवर हो जाता है सो so, पहले मैं यू you नो know, अलग अलग टैब्स ले रही थी सो आई रियली लाइक कि इसमें सब कवर हो जाता है तो मुझे और कुछ लेने की जरूरत नहीं है प्लस इट इज़ हाईली इफेक्टिव सो ये चीज़ बहुत अच्छी है आप डेफिनेटली ट्राई करो इफ़ यू नो यू हैव इशूज लाइक अगर आपको स्किन में पिम्पल्स का भी इशू है यू you नो know, ड्राइनेस हो रही है बाल झड़े काइज लॉड ऑफ थिंग्स आर कनेक्टेड टू आर गट हेल्थ एंड अगर आप वहाँ ध्यान रखोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लगते हैं बहुत छोटी चीज़ें होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं I would definitely ask you कि आप try करो एंड uh, दही भी साथ में खाओ because all these things really help you. Almost मेरा खत्म होने को है अब से डेफिनेटली बाइंग अनादर वन एंड आई थॉट मैं इसके बारे में भी बात करूं बिकॉज़ आई फील हम सबको अपना हेल्थ और यू uh, नो you know, फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए बिकॉज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं हमारा खाना पीना अच्छा नहीं होता है फिजिकल एक्टिविटी लाइफस्टाइल इश्यूज कितनी चीजें हम ध्यान रख लेंगे सो सप्लीमेंट्स आई फील इंपॉर्टेंट है लॉट ऑफ पीपल से कि खाना अच्छा करो सब खाओ पर नहीं हो पाता है गाइस वैसे भी पेस्टिसाइड जितने हैं और खाने में केमिकल्स इतने होते हैं आप जितना भी ट्राई कर लो आप वो परफेक्ट बैलेंस्ड डाइट तो नहीं ले पाते हो सो आई फील आर हेल्पफुल एंड इसमें प्रोबायोटिक्स भी हैं तो वो आपके टमी का भी ध्यान रखता है एंड मेरा तो काफ़ी बेटर हुआ है इंडाइजेशन उशू उससे मुझे हेड भी होते थे तो वो भी अब बहुत कम हो गए है। guys, हैं एंड गाई इसमें काफ़ी सारे हर्ब्स हैं अलॉग विद दी मल्टी वाइटामिन जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी ली इट हैज़ अश्वगंधा नीम इट ऑल्सो हैज़ एलोवेरा एंड आमला सो ऑल दीज थिंग्स रियली हेल्प यू विद योर स्किन एंड हेयर ऑल्सो सो ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखेगा एंड अगर आपका टमी ठीक हो तो गाय सब ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है इट आल्सो हैज गेन टी एस्ट्रैक्ट जो जो लूज करना चाह रहे हैं वेट उनके लिए भी अच्छा है सो so बेसिकली आप लूज़ करना चाह रहे हो या आप गेन करना चाह रहे हो अगर आपका डाइजेशन ठीक है तो आप सब कुछ अचीव अचीव कर सकते हो ये मैंने पहले भी बोला है इस बारे में पहले भी बात करी है सो so, अगर आप वेट लॉस का सोच रहे हो या वेट गेन का सोच रहे हो तो ये पॉलट भी चेकआउट कर सकते हो आपको हेल्प जरूर करेगा इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी आप देख सकते हो कोड भी है मेरे पास वो भी मैं ऊपर लिख दूंगी आप डेफिनेटली जाके कर चेकआउट करना कोई क्वेश्चन से जरूर पूछ लेना I hope you liked this video and found it helpful. Bye for now.